एवरीवन, वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी सितारों की ज़िंदगी और उनके करियर से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत फ्रांस में आयोजित होने वाले कान फिल्म फेस्टिवल से करेंगे, जिसका इंतज़ार साल भर सिने प्रेमियों को रहता है, क्योंकि इसमें देश विदेश की बेहतरीन फिल्मों का न सिर्फ प्रदर्शन किया जाता है बल्कि कई फिल्में इसमें कम्पिटीट करती हुई भी नज़र आती हैं। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल 14 मई से शुरू होने जा रहा है और भारत के लिए भी ये फेस्टिवल हमेशा से ही खास रहा है। और इस बार भारत के लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि दो फिल्में इसमें प्रदर्शन के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं। कौन सी वो फिल्में हैं और किन कैटेगरीज में ये शॉर्टलिस्ट हुई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फ्रांस के शहर में होने वाला 10 दिवसीय कान फिल्म समारोह, जिसमें दुनिया भर की फिल्में स्क्रीनिंग के लिए पहुंचती हैं, तो वहीं कुछ का प्रीमियर किया जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा खास इसका कंपटीशन सेक्शन होता है, जिसमें फिल्मों के बीच सबसे प्रतिष्ठित पाम डी ओर अवार्ड के लिए रेस लगती है। 77वां कान फिल्म फेस्टिवल 14 मई से 25 मई तक आयोजित होने जा रहा है। भारतीयों के लिए इस बार का फेस्टिवल खास हो गया है, क्योंकि इसके सबसे प्रतिष्ठित पाम डी ओर यानी कि गोल्डन पाम अवार्ड के लिए लेखक निर्देशक पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला है। ये बड़ी उपलब्धि इसीलिए भी है क्योंकि पायल की फिल्म को ऐसा मौका 30 साल बाद मिला है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट इंडो फ्रेंच प्रोडक्शन है। कहानी एक नर्स प्रभा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लंबे अरसे बाद उसके पति की ओर से एक गिफ्ट मिलता है। प्रभा के अपने पति के साथ संबंध काफी अरसे से खराब है। फिल्म की कहानी दिलचस्प है। अब देखना यह है कि ये फिल्म कान में कितना आगे तक कम्पिटीट करेगी। सिनेमा और टीवी प्रोडक्शन प्रशिक्षण के लिए अग्रणी संस्था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के लिए अच्छी खबर है। FTII छात्रों की शॉर्ट फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल प्रतियोगिता के लिए चुनी गई है। FTII के 4 छात्रों की एक फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो, ये फिल्म दुनिया भर के फिल्म स्कूलों द्वारा प्रस्तुत कुल 2,263 फिल्मों में से चुनी गई 18 शॉर्ट्स फिल्मों में से एक भारतीय फिल्म है। ये फिल्म कान के ला सिनेफ कैटेगरी में कम्पटीट करती नजर आएगी। ला सिनेफ इस फेस्टिवल का एक आधिकारिक खंड है, जिसका उद्देश्य नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है और दुनिया भर के फिल्म स्कूलों की फिल्मों की पहचान कराना है। ये पहला अवसर है कि जब एक वर्षीय टेलीविजन प्रोग्राम के छात्रों की फिल्म को प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है। FTII की ये फिल्म टीवी विंग के एक वर्षीय कार्यक्रम का निर्माण है, जहां विभिन्न विषयों यानी के निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी, संपादन, साउंड के 4 छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट के रूप में एक साथ काम किया। फिल्म का निर्देशन चिदनन एस नायक ने किया है, फिल्मांकन सूरज ठाकुर ने किया है, संपादन मनोज वी ने किया है और साउंड अभिषेक कदम ने दी है। तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो कन्नड़ भाषा की पहली ऐसी इंडियन फिल्म है जो कान फिल्म फेस्टिवल के लिए शॉर्ट फिक्शन फिल्म में कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है। इस फिल्म के डायरेक्टर चेतना नायक इस वक्त हमारे साथ जूम कॉल से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में, उनका रिएक्शन क्या है। चिदनन नायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन के साथ बात करने के लिए। सबसे पहला रिएक्शन हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी शॉर्ट फिक्शन फिल्म जो है वो सिलेक्ट हुई है कान फिल्म फेस्टिवल के लिए, किस तरह का आप फील कर रहे हैं? नमस्ते मैम, बहुत खुश हो रहा है कि मेरा जो फिल्म है वो कान फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुआ है। एंड ये बहुत प्राइड की बात है कि जो कनाडा में तो ये तो पहला ऑफिशियल सिलेक्शन है, एंड कभी ड्रीम नहीं किया था कि हम लोग उधर जा सकते हैं। सो अभी जो हुआ है काफी कॉन्फिडेंस दे रहा है हमको, एंड अभी देखना है कि आगे क्या होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, जो 18 फिल्में सिलेक्ट हुई थी उनमें ये एक इंडियन फिल्म है जो सिलेक्ट हुई है, कन्नड़ भाषा की है, तो ये और भी आपके लिए स्पेशल हो जाता है।
इसमें इस बात में तो बहुत प्राइड है कि हम लोग आकर इंडियन कल्चर को आगे उभारे। एंड ये फोक स्टोरी है, तो एक ओरल स्टोरी है जो हमारा कर्नाटका से सबको पता है, एंड उसको हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बहुत ही खुश का चीज बहुत खुश दे रहा है। आपकी जो फिल्म है उस फिल्म की कहानी के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते थे, क्या आपको किस चीज ने ऐसा टच किया जो आपने इस फिल्म को बनाया। यकीनन हर कोई जानना चाहता होगा कि आपकी फिल्म ऐसा है, उसमें क्या खास है जो कान फिल्म फेस्टिवल में चाहिए। Okay. इस चीज में जो रेगुलर स्टोरी है वो तो नहीं है, ये स्टोरी जो मॉरल है जो कुछ सोसाइटी को बोलते हैं ऐसा स्टोरी वाला नहीं है, ये तो सिंपल से कहानी है जो लोग छोटे बच्चे बेड टाइम में सुनते हैं। सो ऐसा कुछ कहानी जो सब लोगों के लिए है। सो जो हम लोग बहुत पुराने, हमारा दादी नानी वो हमको सुनाती थी, ऐसा स्टोरी है जो मैं बोला हूँ जो अभी का कल्चर में बहुत गायब हो गया है। सो मेरा स्टोरी वो बोलता है कि लाइक मैं जगह पढ़ा था एक बुक में कि बर्ड्स डोंट सिंग बिकॉज दे हैव क्वेश्चंस, बर्ड सिंग्स बिकॉज दे हैव आंसर्स। सो आई हैड अ स्टोरी एंड वी हैड अ स्टोरी वाज लाइक सो अलाइव इन कर्नाटका। सो उसको मैं सब लोगों को बताना चाहता था। जब इंस्टीट्यूट में था मैं पूछ रहा था कि तुम लोग ये स्टोरी सुना है क्या, जो दादी मुर्गी लेकर चली जाती है सोचकर कि उस मुर्गी से दिन होती है। सो मैं किसी पे नहीं सुना था उसको। सो मैं बहुत लाइक शॉक था कि ऐसा जो पॉपुलर फोकटेल है जो कर्नाटका में सबको पता है, किसी और को पता नहीं था। सो इसलिए वो स्टोरी सब्जेक्ट चूज कर अभी जो कंटेम्प्रेरी के लिए है, मतलब जो ऑडियो विजुअल मीडियम है एंड जो सिनेमैटिक मीडियम है उस पे हम लोग कैसा बोल सकते हैं, एंड जो अभी मैं बन गया नया स्टोरी टेलर उस फिल्म में, एंड नया स्टोरी सिर्फ स्टोरी बोला हूँ उसपे। ये फिल्म जो है एक दादा नानी की कहानी है ना, जो वहां पे बच्चों को सुनाती है दादियां। मतलब इसमें ये होता है कि क्या एक मुर्गी जो है उसके बांध देने से सुबह हो जाती है, इस तरह की कहानियां सुनाती है वहां पे। मैम इधर में थोड़ा वेरिएशन है कि इधर एक दादी जो है उसका उसको काफी प्राउड है, लाइक उसको ऐसा लगता है कि मेरा मुर्गी से यही दिन हो रहा है विलेज में। अच्छा अच्छा। तो वो उसको कोई बात नहीं कर रहा था। सो उसको वो समझती है कि लाइक मैं पूरा विलेजर्स को समझ सिखाता हूँ। सो वो क्या करती है, मुर्गी लेकर चला जाता है कि अभी देख लो क्या करते हो तुम लोग। सो हमारा स्टोरी ऐसा कुछ है। सो मैं उसको दादी का प्राइड नहीं, दादी को कुछ रीजन था इसलिए मुर्गी लेकर चला गया, ऐसा मैं रीइंटरप्रेट किया उसको स्टोरी को। तो फिर लास्ट समझ में आता है कि उनकी मुर्गी की वजह से सुबह नहीं होती है। बट इस स्टोरी में मैं ऐसा किया कि उसका मुर्गी लाइक ओपन एंडेड तो है बट मैं उसको बिलीव करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा लाइक जब मैं छोटा था, जब मैं सुना, मैं सच में बिलीव कर दिया था कि दादी मुर्गी से ही दादी की मुर्गी की वजह से ही होती होगी सुबह, है ना। या ऐसा मैं सोचा था। तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी ये प्रथा है कि दादा नानी जो है वो बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, तो उससे प्रेरणा भी मिलती है, सीख भी मिलती है और बच्चे कितने खुश होते हैं। तो आपने इसी चीज को फिर आगे बढ़ाने की कोशिश की, मतलब आपने आपने भी बहुत सारी कहानियां इस तरह की सुनी होंगी जिस वजह से आपने इसको एक फिल्म के माध्यम से कहने की कोशिश की। एंड जो ऐसा स्टोरी है एंड वो फिल्म जो ओरल है, जो ओरली सुनता है उसमें हम लोग भूत आ सकते हैं, जंगल आ सकते हैं, इधर शेर बात कर सकता है, एंड ऐसा स्टोरीज हम लोग जब सिनेमा मीडियम में बोलते हैं, एंड जो ये नरेटिव है हमारा इंडियन नरेटिव है। सो हमारा इंडियन नरेटिव एंड सिनेमा में ऐसा नरेटिव कोई फिक्स नहीं है, हम लोग कभी भी ब्रेक कर सकता है एंड उसका सिनेमा का पॉसिबिलिटी तो एंडलेस है। सो वो एंडलेस पॉसिबिलिटी में अपना नरेटिव होना एंड जो अपना नरेटिव वाला फिल्म जो कांच में जाना, तो बहुत खुश हो इस बात के। तो ये भी एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि सिर्फ एक साल के टेलीविजन कोर्स करके ही आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये भी बहुत बड़ी बात है। किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और क्या क्या चीजों के लिए आपने तैयारी की? चैलेंजेस तो बहुत थी, स्पेशली जो जैसे आप बोला कि एक साल में कोर्स है एंड एक साल में हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, एंड जो इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम मिला वो सिर्फ हमको सिर्फ मुझे तो सिर्फ 2 मंथ मिला लाइक कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच टू
फिनिश करने तक. एंड हमारा जो क्लास का मॉड्यूल था सिर्फ एक मंथ के लिए था. उस टाइम पे आइडिया आकर उसको लिखकर उसका प्री प्रोडक्शन करने से फिर उसको एग्जीक्यूट करना है. स्पेशली हमारा जो एक साल का कोर्स है उस पे हमारा फाइनल पिक्चर में बहुत रूल्स होता है. जैसे हम लोग सिर्फ 4 दिन ही शूट कर सकते हैं एंड हमको सिर्फ लाइक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा मिल सकता है एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या रिसोर्सेस मिलता है फिल्म करने के लिए. एंड मेरा जो स्टोरी था वो कम्प्लीटली नाइट था. एंड हमारा कॉलेज का रूल्स में ऐसा था कि सिर्फ एक दिन का जनरेटर मिलता है एंड जाकिर 3 दिन का क्या करना है. वो मेरा डीओपी सूरज ने उसको सोचकर क्या कर सकता है. एंड मैं जो फिल्म कर रहा था वो कनाडा में था. अगेन एफटीआई में एक रूल्स था कि 50 किलोमीटर रेडियस अंदर ही फिल्म बनाना है. सो अब हम लोग एक्टर्स के लिए कर्नाटक कैसे बुलाना है. सो हर लोग एंड इधर आकर एंड जो हम लोग शूट किया वो पंचायत में है. अराउंड 48 किलोमीटर से एफटीआई से एंड जियोग्राफी काफी डिफिकल्ट था क्योंकि उधर बस भी नहीं जा सकता था एंड उधर नेटवर्क भी नहीं मिलता था. एंड कंप्लीटली नाइट सिर्फ फिल्म क्रू 30 मेंबर्स विदाउट एनीथिंग इन डार्कनेस हम लोग उधर शूट कर रहे थे. एंड हर दिन किसी ना किसी चैलेंजेस था हो रहा था. एंड एक दिन तो बारिश आकर कंप्लीटली स्टॉप हो गया. तो पहला रिएक्शन आपका कैसा हुआ कि जब आपको ये पता चला कि आपकी फिल्म जो है वो सिलेक्ट हो गई? मुझे तो पहले बिलीव नहीं हो पाया. लाइक काफी दिन के लिए शॉक में था कि हम लोग सच में उधर जा रहे हैं कि लाइक हमारा फिल्म सच में सेलेक्ट हुआ है क्या. क्योंकि जो पहला मेल आया और ऑफिशियल कंफर्मेशन आया आई थिंक 4 days to 5 days था. सो हम लोग सच में बैठ कर बात कर रहे थे कि सच में हो रहा है क्या क्या ये सब. तो आपने इसको बनाया है वो तो एक तरह से दादी नानी से जुड़ी हुई कहानी, लेकिन आपने इसको शूट भी फिर ऐसे ही जगह पे किया है जो इसमें थोड़ा सा ओरिजिनल टच आता है जो आपने इसको शूट किया है वहां पे जाके. यस मैम. ये सब ख्याल आपको कैसे आया कि हम कोई स्टूडियो हायर नहीं करेंगे, हम ऐसे ही नेचुरल वे में उसको शूट करेंगे और उसको एक जो हमारा जो फील है वो ही देंगे उसको? मैम इस बात के शूटिंग के बारे में विजुअल्स के बारे में सूरज एंड डीओपी था एंड प्रणव एडीपीटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था. एंड हम लोगों को एक पता चल रहा था कि स्टोरी का कौन सा एरा में है, कौन सा स्पेस में स्टोरी चल रहा है. एंड ये तो कम्प्लीटली फैंटेसी है एंड अभी नहीं है, पुराना स्टोरी है. सो हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा लोकेशन ढूंढते हैं जो हम लोग को कर्नाटक को भी रिक्रिएट करना था कि महाराष्ट्र पुणे में हम लोग कर्नाटक जैसा दिखने वाला गांव को ढूंढना था. एंड उस वो गांव ऐसा होना था कि वो पुराना भी हो सकता है. सो ऐसा कुछ काफी गांव ढूंढा है आई थिंक सूरज ने एंड अभिषेक ने. आई थिंक हर दिन क्लास होने के बाद लोकेशन ढूंढो, क्लास होने के बाद लोकेशन ढूंढकर हमको फाइनली एक लोकेशन मिल गया. एंड उसके हिसाब से अगेन मैं स्टोरी में चेंजेस करता रहा क्योंकि जो स्टोरी में लिखा था उसके लिए लोकेशन तो नहीं मिल रहा था. सो अभी जो लोकेशन है उसके लिए मैं स्टोरी भी एडजस्ट कॉन्स्टेंटली कर रहा था. सो ऐसा कुछ बैक एंड फ्रो भी कर रहा था क्योंकि हमारा जो आपने बोला हमारा बहुत कम टाइम था एक साल में जो फिल्म बनाना है. सो इसलिए काफी कुछ रिसोर्सेस के साथ खेलना पड़ता है. अच्छा तो आप थोड़ा बहुत अपनी टीम के बारे में भी बताएं कि आपकी जो टीम है वो कितने लोग थे और किस तरह से वो एक साथ जुड़े और उन्होंने काम किया कि आपको अलग से कितने लोग थे? हमारा टीवी विंग में बेसिकली 4 कोर्स थे जो कोऑर्डिनेटेड करना ही है. एंड एडिटिंग में मनोज ने किया था, मनोज भी ने. एंड मनोज कन्नड़ी का था. सो हम लोग काफी फिक्स थे कि पहले ही कि कनाडा फिल्म बनाना है. एंड सूरज सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट था, मैं सूरज के साथ पहले ही काम किया था. एंड अभिषेक साउंड में था, वो भी महाराष्ट्र का ही है एंड मैं उसके साथ भी पहले काम किया था. एंड हम लोग को काम तो करना था. एंड हम 4 लोग जो मेन रेस्पॉन्सिबल थे. एंड somehow हमको एडीपीडी सब डिपार्टमेंट चाहिए फ्रॉम कॉस्ट्यूम फ्रॉम एक्टर्स एंड हर चीज. देन हम लोग प्रणव को पिच किया कि ऐसा कुछ स्टोरी बोल रहे हैं एंड सूरज काफी उसको इन्फ्लुएंस किया एंड ही ज्वाइंड बिकॉज वो उसको क्लास छोड़कर हमको ज्वाइन करना पड़ता था. सो देन सूरज ज्वाइंड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग आउट जो लोग हमको हेल्प कर सकते हैं हेल्प करो. एंड लाइक बंच ऑफ प्रणव अरेंज्ड अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स एंड लाइक सारंग सुरोध एंड जो मेरा फ्रेंड्स मैसूर से भी आए थे जो मेरा थर्ड स्टैंड से फ्रेंड थे
वो लोग एफटीआई को आया मुझे हेल्प करने के लिए। सो ऐसा हमारा टीम बनता गया। तो चिदानंद जी अब आप कांस जाने की तैयारी कर रहे हैं? यस मैम, तो चल रहा है। तो वहां जाके आपको जो रिएक्शन मिलेगा और आप इंतजार में हैं कि भाई हम, तो उसकी क्या तैयारियां चल रही है कांस के? मैम कांस तो ड्रीम था, बट अभी वो एक्सपोजर देखना है कि हम लोग सिर्फ उसको ऐसा लाइक यूट्यूब में और लाइक टीवी में सिर्फ इन्फ्लुएंस हेडलाइंस में और पढ़ा है, उधर जाकर एक लाइव एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है। एंड उधर जाकर जो वर्ल्ड प्रीमियर होता है, लाइक हर साल पढ़ा है कि जब कांस में होता है, कांस में प्रीमियर होता है एंड हर साल वी हैव टू वेट फॉर फिल्म टू कम आउट एंड मेजर ऑफ द ऑस्कर ऑस्कर विनिंग फिल्म्स और बेस्ट फिल्म्स और ऑलरेडी प्रीमियर फॉर अ फर्स्ट टाइम। सो आई वॉन्ट टू सी उधर एंड जो है कि जो उसका क्राउड उधर आते हैं एंड काफी ज्यादा जो हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं उनको सामने में फर्स्ट टाइम रियल में देखने के लिए मिलता है। सो ये लोग काफी इंस्पिरेशन था कि लाइक 10 साल से इनको सिर्फ इनका फिल्म देख रहा हूँ, इनको पहला मौका मिला है कि वहां पर जाएंगे एटलीस्ट, या एटलीस्ट दूर से भी रियल अभिनेता है जो एक्ट्रेसेस है उनसे भी आप एकदम आमने सामने होंगे। Yes, वो तो रियली है हो गया, लाइक फाइनली उनको एक बार लाइक देखने देख लिया आर्टिस्ट लाइफ में, वो तो है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चिदानंद जी और आपकी पूरी टीम को, आगे भी आप बहुत कुछ करें और बहुत संभावनाएं हैं आपके लिए जो जुड़ी हुई है। और मेरी तरफ से एक बार और हमारी पूरी न्यूज की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम थैंक यू सो मच। और अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की, जिसे हासिल करना हर भारतीय नागरिक के लिए गर्व की बात होती है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कई क्षेत्रों में ये सम्मान दिए गए, मनोरंजन के क्षेत्र में भी कई लोगों को ये सम्मान हासिल हुआ है। कौन है वो खुशकिस्मत लोग, आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में जब राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार दिए गए, तो ये क्षण देखने वालों और हासिल करने वालों के लिए यादगार बन गया। 3 श्रेणियों में दिए गए इन पुरस्कारों में सामाजिक कार्य, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल से लेकर कई अन्य क्षेत्र शामिल रहे। वहीं जब कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म सम्मान दिया गया, पद्म भूषण श्री मिथुन चक्रवर्ती कला फिल्म अभिनय, तो इस साल इस सम्मान को हासिल करने वालों में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी रहे, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। 16 जून 1950 में कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 5 दशकों के अपने करियर में उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में अपना दमदार अभिनय दिया। अपनी पहली ही फिल्म मृणाल सेन की मृग्या के लिए उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल किया था। वही 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में वो एक डांसिंग स्टार के रूप में उभरे, जिसमें विशेष रूप से 1982 की हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। हिंदी के अलावा उन्होंने बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी में भी फिल्में की। खुशी बहुत है इस बात की, क्योंकि जो चीज़ ना मांगने से मिले ना, उसकी पाने की खुशी और ही है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा, जो भी मांगा दूसरों के लिए। वेरी हैप्पी बिकॉज इतना सम्मान, इतनी इज्जत जब किसी को भी मिले, हैप्पीएस्ट मोमेंट। श्रीमती उषा उत्थुप कला गायन। भारतीय सिनेमा में पॉप सिंगिंग को एक अलग मुकाम तक ले जाने वाली गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उषा उत्थुप ने अपनी दमदार आवाज के चलते बाकी सिंगर से अलग रूप में पहचान बनाई। उन्होंने बॉलीवुड में कई ऐसे गीत दिए जिस पर लोग आज भी झूम कर नाचने को मजबूर हो जाते हैं। उषा उत्थुप ने वर्ष 2070 में आई बॉम्बे टॉकीज फिल्म में अंग्रेजी में गीत गाया था। I should have known you
हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में उषा उथुप ने आशा भोसले के साथ दम मारो दम गाया, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। उषा उथुप ने 1970 और 80 के दशक में संगीतकार आरडी बर्मन और बप्पी लहड़ी के लिए कई गीत गाए। उषा उथुप कई विदेशी भाषाओं के साथ 16 भारतीय भाषाओं में गीत गा चुकी हैं। যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। उषा उथुप एक ऐसा नाम जिसका नाम ही अपने आप में एक पहचान है, आज हमारे साथ बैठी हुई हैं और हम उनसे जानेंगे कि आज ये जो क्षण आया है आपके जीवन में, सबसे पहले इसके बारे में। पहले मैं कह दूं, नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, दूरदर्शन। हमारे लिए पहले बात तो ये कह दूं, द बिगेस्ट द बेस्ट एंड द media with the most fantastic reach is Doordarshan. So I will always say thank you to you, Didi, for doing all the things that you've done. And also I want to say this moment, ये जो क्षण है जो हम लोग बातें कर रहे हैं पद्म भूषण के बारे में, I'm so grateful to God, so grateful to God and also to our country and to our government कि हमारे काम को पहचाना गया। And when they recognize your work, ऐसा है कि और responsibility बढ़ जाता है और सोचना पड़ता है कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं ठीक गा रही हूँ, क्या मैं ठीक signals दे रही हूँ आज के generations के लिए, and that is very very important. So I'm grateful, really really grateful. So प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक राज्य के